हैं आंटी, तुम्हें शर्म नहीं आई पकोड़े बना के क्यों नहीं लाए पकोड़े? अरे मुझे क्या पता था तुम लोग आ रहे हो, जगह नहीं थी ना ट्रेन में, जगह नहीं थी। ये हमारी कबूली है। हेलो, मैं कबूली घूमते लगा हूं अभी, ये क्योंकि हमने अभी वीडियो बनाई थी तो शूटिंग जस्ट खत्म करी है। हेलो, ये हां बंदरों ने तो बड़ा फजीता कर रखा है भैया, अब सब फूल तोड़ दिए हैं और अंदर बिल्लियों ने फजीता कर रखा है, भाग जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक और जबरदस्त ब्लॉग लेकर मैं आपका दोस्त अंकित पाठक आया हूँ आपके साथ। आज मैं मिलवाने वाला हूँ अपने फैमिली से भी और साथ में पड़ोसियों से भी, बहुत सारे लोग हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको आज के ब्लॉग में। चलिए। हेलो आंटी, कैसे हो? हेलो ताई, सब जीते रहो बेटा, जीते रहो, ठीक हो? पहले तो ताई हेलो करो सबको, हेलो नमस्कार जी लेगा क्या? हेलो गाइस, वैसे बोलो ये भी हेलो गाइस वैसे करो, ये भी हमारे हाय गाइस हेलो करो, दिख रहे हो? नहीं दिखेंगे, दिख रहे हैं, दिख रहे हो? हाय, दिख रही थी। ये हमारी कबूली है। हेलो, मैं घूमते लगा हूं अभी, ये क्योंकि हमने अभी वीडियो बनाई थी तो शूटिंग जस्ट खत्म करी है। हेलो, कैसन हो? कैसन हो, सब बढ़िया? ये हमारी राधा बुआ है, जानती हो सब इनको। हाय हाय, नींबू खाने रोजी पर जरा दे नींबू खाला, अब ये बुआरी बलबला अलग हरो मेरे वो जेरी यूं हमारे हमारी यूं लता। चलो मैं बैक कैमरा करता हूं, एक मिनट बहन है। अब बताओ बुआ जी, ये कौन है बताओ? कौन? ताई जी यहां से। ये हमारी शोभा बहन है। हाय गाइस, कैसे हो? भाभी जी हैं। और ये हमारी बेटी है नेहा, वो पद्मा बहन बैठी है, ये हमारी लता भाभी बैठी है, ये हम है, हमें अपनी अपनी बुआरी की सास, ये हमारी प्रेमवती बैठी है। आज ने नींबू खाया, बहुत अच्छा लगा। नींबू वाला ब्लॉग डाल दिया, वैसे वो अलग है ब्लॉग, ये नहीं है, ये अलग वाला ब्लॉग है क्योंकि ज्यादा लंबे हो जाता है ना नींबू। आई आप आंटी, आंटी आपको जानकारी, आंटी जी लेकर आ रखी है गर्मा गर्म चाय, लेकिन बेशर्मों की तरह बिना पकौड़े की चाय। बताओ आंटी, तुमको पता था है? आंटी तुम्हें शर्म नहीं आई पकोड़े बना के क्यों नहीं लाए पकोड़े? अरे मुझे क्या पता था तुम लोग आ रहे हो, जगह नहीं थी ना ट्रेन में, जगह नहीं। अच्छा, अरे अल्लाह नींबू छानो, आ नींबू छानो, अरे हिंदी में, हिंदी में अभी नींबू छाना हमने, इसलिए आप चाय पहले चाय दे, चाय कौन बताया आगे ठहरा है, वो भी पकौड़े कहाँ बनाती न, पकौड़े खाना है बना देते हैं, पकौड़े का दूसरे दिन होगा। अरे फोन भी तो नहीं करा हम लोगों ने, पकौड़ी वाली महफिल एक बार जम चुकी है वैसे, यहाँ जम चुकी है दोबारा, वीडियो नहीं बना है। आंटी यहीं पर रख दो मेरे हाथ पे, तो ये है अभी फिर तो आंटी मेरे सफेद चाय ले आई, काली बना दो? नहीं 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 ठीक है, मैं पी लूंगा मैं, दूध डाले ना, मैं पीता जब अच्छी नहीं लगती, पचपचा नहीं लगता, ठीक है। तो चलो और ताई जी बताओ, क्या बताऊं बेटा ताई जी को? हाँ प्रिया ने बोला कि ताई जी लगती हैं, कितने साल की लगती हैं कह रही? 50 साल की लगती है ताई जी, तो ताई जी कह रही ताई जी 75 साल की। तो दोस्तों आप बताओ ताई जी कितनी उम्र है? ताई जी कह रही मैं 75 की हूँ, प्रिया कह रही 50 से तो परे है, 50 से तो हम पहुँचने वाले हैं। बुढ़ी कैसे तुम्हें? और क्या बुढ़ी तो कह रही, मुझे लट्ठी कहाँ से तुम्हें? अब लट्ठी क्या, हमसे बड़े वालों ने लट्ठी टेकी भी, हम तो चार हाथ पैर टेकने लग जाएंगे यार। अब इसे लट्ठी टेकने लग जाएंगे तो फिर तो चार हाथ पैर से जाना पड़ेगा। मजाक कर रहा था, तो ये हमारा ऐसी मस्ती का ही ब्लॉग है, इसमें कुछ भी ऐसी फालतू बातें करते रहते हैं हम लोग, बिना सर पैर की बातें करते रहते हैं। और ताई जी काम धंधे कह रहा तुम्हार के सपाड़ है रहा? के काम नहीं है रहा, रत्ता खाओ ब्याह खाओ, दिन में घाम था तो लिंटर में बैठ जाओ, अब आप हिंदी में आ जाओ, आप हिंदी में बोलो, और कुछ काम नहीं हो रहा है, बस खाया पिया, सुबह शाम खाया पिया, दिन में धूप सेकी, शाम को फिर अपने ही घर में आ गए। बाना भी तो हकाने बीच में, वो क्यों भूल जा रहे हो? अरे हाँ, बंदरों ने तो बड़ा फजीता कर रखा है भैया, अब सब फूल तोड़ दिए हैं और अंदर बिल्लियों ने फजीता कर रखा, भाग जा रहे हैं, भर ही जा रहे हैं, सब फजीता हो रहा है, चूहू ने अलग कर रखा है, दाल हाल एक कर जा रहे हैं, सब मिला मुलू के, क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं, कुछ नहीं बता सकती हूं, ऐसे ही हो रहा है। और नेहा, ये है नेहा, नेहा बता, नेहा ने हाथ में क्या लगाया है? मेहंदी लगाई थी, अच्छा मास्क था, मुझे लगा नेहा ने मेहंदी लगा रखी। नेहा को हम बोल रहे तो पहाड़ी बुआरी बन, ये देसियाणी मतलब, अब मैं क्या बोल रहा इस चैनल में, पहाड़ी आते ही नहीं है, अगली बार से नेहा आई नहीं पा रहा मेरे को, अगली बार से ठहरा बोलना, बल बोलना, छी बोलना, उज्जा बोलना, ऐसा हो रहा है, ठहरा बल, हिंदी हिंदी बोलना, लेकिन ये शब्द बोलना तब लगेगा पहाड़ा ने, छी बल ऐसा नहीं, उज्जा ऐसा ठहरा कहा, ऐसा नहीं, ऐसा ठहरा,
अच्छा ऐसे बोलने वाले ठहरे ना, मम्मी से तो पूछना ही बेकार है, वो तो बानर जैसा मुकड़ी दिखा देगी। मम्मी हाय तेरी रुमाला बिराई जे मुख है, नहीं हाय तेरी स्वेटरा बिराई जे मुखड़ी के भली छाजी रे हाथ में बुनाई। मम्मी गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आज आ गई है हमारी शोभा आंटी, बेशर्मों की तरह फिर खाली हाथ आई। मतलब बताओ, मैंने आंटी को बोला पकोड़े, आंटी मतलब मन नहीं हो रहा है आंटी का पकोड़े बनाने का। आंटी ने भी बड़ी मुश्किल से धूप आ रही, धूप सेकती हूं। हाँ ये सही है, घाम लग रहा है। तुम्हारे लिए पकोड़ी बनाने में रहूंगा। अच्छा मतलब बुआ आज आंटी का पक्ष, अच्छा आज कमला का पक्ष ले रहे हो? अरे कमला तो बेटी, अपनी लौंडिया का पक्ष ले रही हो? लौंडिया का पक्ष ले रही दिखे, राधा बुआ लौंडिया का पक्ष ले रही दिखे। कौली आ गई है, कौली के होठ ऐसा लग रहे हैं लिपस्टिक के कारण जैसे किसी का खून पी के आ रखी होगी अभी। ऐसी सच में ही लग रही प्रिया तो खून पी के आ रखी किसी का। बच्चे आगे होंगे, आंटी ने कहा कि चाय पीना है, मैंने माना कि आंटी ने कहा आजा। ताई जी ने चाय क्यों नहीं पी? मना नहीं कर पाती हूं। चाय पी रहे हूं बेटा आप। धीरे धीरे ताई जी चाय पीते हुए। गरम हो रही ना? अच्छा गरम है रे? गरम हो रही है। अच्छा लगती है ना? लगती कौन देशान बहू ये देशान तो लगता है देशानी बहू कहा पहाड़ा में यार वो कितने लोग ये समझते होंगे देशान हां बोलने की वजह से ना हां और मुझसे क्या कह रही थी मुझे दीदी नहीं है वंदना दीदी की बात करता दीदी क्या कह रही वो मुझसे कह रही थी कि मतलब वीडियो में मैं भी लखनऊ वाली की जाऊंगी ना वो भी लखनऊ की है अरे बाप रे आंटी को मेरी कितनी चिंता हो रही है, अंकित पहले पी बल फिर ठंडी हो जाएगी। फिर आंटी वीडियो का शीट बढ़ा ले तू, आंटी का तबीयत तो चिंता है। अरे चिंता वीडियो के लिए चिंता हो रही है, लिंगी करके पी तो रहा हूँ ठंडी हो रही ना। अरे पी रहा हूँ ये हाथ में है यार। आंटी कैसी कैसी बात कर रही है, आंटी घूमती रह गई चाय चाय करके, इन्होंने मुंह जलवा दिया मेरा। माय गॉड पीनी आती है वैल्यू पी रहा है। अब हम थोड़ा बस में अपने दुख सुख करेंगे थोड़ी देर, तो जैसे कोई त्योहार आने वाला है, संकट आने वाला है। हाँ, संकट आना है, संकट के बारे में हमारी भाभी। हाँ, संकट तो दोस्तों हमारे वहाँ एक बड़ा फेमस त्योहार है हमारे पहाड़ियों में संकट, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम ताई जी से, दूर करते हैं। तो ताई जी बताइए संकट। हाँ संकट का व्रत होता है, संकट का व्रत अपने नाती का संकट काटने के लिए होता है, सारा परिवार का संकट काटता है, सब बच्चों का सब सही संकट काट कूट के सब अपने घर को अपने पूजा पाठ करते हैं। हाँ बेलपत्री चढ़ती है, दूबा चढ़ता है, फूल चढ़ते हैं, पुए चढ़ते हैं, तिल के लड्डू चढ़ते हैं और पूरी पुए सभी बनते हैं। हाँ तो संकट के दिन किसकी पूजा की जाती है? गणेश की पूजा करी जाती है। गणेश भगवान की पूजा? हाँ गणेश भगवान की पूजा होती है। ताई जी तो चंद्रमा से क्या रिलेशन है, चंद्रमा का कुछ देते हैं अर्घ? चंद्रमा को अर्घ देते हैं, पहले गणेश की पूजा करते हैं फिर चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तारों को अर्घ देते हैं, सबको अर्घ दे दू के फिर जाके खाना खाते हैं। ताई जी कब मनाया जाता है? ये है दो बार माना जाता है ये। अच्छा। ये माँ के महीने बनाया जाता है। हाँ। एक सावन के महीने मनाया जाता है। तो साल में दो बार? हाँ साल में दो बार आता है। हाँ अब ये 31 को पड़ रहा है, 31 को हो रहा है। हाँ चलो ताई जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, हम देखते हैं अब ये कौली किस विषय में जानकारी देगी। कौली तुझे जानकारी देना चाहती, देखो कौली का सिर हूँ मैं किसी विषय में ऐसे तो मैं क्या दूंगी जानकारी, मुझे तो कुछ नहीं पता इस व्रत के बारे में। इतना किसी पता भी चीज के बारे में और भी क्या, किसी भी चीज के बारे में जानकारी हाँ बसंत पंचमी आने वाली, मुझे तो उसी का पता है, उसमें सरस्वती माता का व्रत रखा जाता है, तो जो भी जिसको भी विद्या चाहिए तो वो जरूर बसंत पंचमी के दिन व्रत रखे और सरस्वती माता की पूजा करे। अच्छा तो राधा बुआ आप कुछ जानकारी देना चाहते हो? अब मैं क्या जानकारी दूं भैया, यो मांगो महल लाग रो पहले तो हिंदी में आओ तुम। अच्छा हिंदी में बोलूं? हाँ मैं क्या जानकारी दूं, माघ के महीने की जानकारी दे रही हूँ। माघ के महीने हम लोग पूजा पाठ लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, थोड़ा पंडित जी को खिचड़ी खिलाई जाती है,
ये माघ के महीने के बारे में बताती हूँ, बाकी आप लोगों को सबको पता ही है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, जिसको जो आ रहा है। तिरमाही लेते हैं, तिरमाही लेने के बाद कोई पूरे महीने के भी लेते हैं, कोई पूरे महीने के मकर लेते हैं, कोई चार पाँच दिन के लेते हैं, ऐसा होता है। अब इनसे पूछो ये स्वेटर तू कोई जानकारी शेयर करना चाहती है? मैं सिर्फ बुनाई के बारे में, बुनाई के बारे में ही बता। और फिर क्या पूछना है? कुछ भी बता दे जो तुझे बताना चाहती हूँ। गले के फंदे उठा रही हूँ, ये मेरे हाथ के राधा है, उसका बच्चे का नाती का स्वेटर तैयार हो गया है। मैं इसके गले के फंदे जोड़ी, कंधे जोड़ी, फिर गले के फंदे उठाऊंगी, गले की पट्टी बना के इन्हें दिखाऊंगी। कौन से गले बना रहे हो? पान पत्ता है वो? पान गला, पान गला। अब आते हैं पद्मा आंटी के पास। पद्मा आंटी, आप बताओ, आप क्या जानकारी देना चाहते हो? क्या जानकारी दूं यार, माँ का महीना लग रहा है। ये तो जानकारी मिल गई, माँ का महीना खत्म भी होने वाला है अब तो। वैसे भी खिचड़ी चिड़ी दे देते पंडित लोगों को मंदिरों में कहीं भी। अब मैं तो कुछ व्रत रथ भी नहीं रख पाती हूँ, बीपी लो रहता है, तबीयत खराब जैसी रहती है, इसलिए मैं मतलब व्रत रथ कम ही लेती हूँ। हाँ, समोरा समोरा वाला दे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और पसंद आई तो लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तो दोबारा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ताई जी, आंटी जी, प्रिया, राधा बुआ, मम्मी, नेहा, पप्पा आंटी।